सादे माम से पूछें क्योंकि इनकी स्किन मुझे जब से याद है हाँ तो I think there's no doubt about, I haven't seen a pimple on a pimple skin ever. और tight skin tight मतलब कि अगर आप मेकअप के बगैर भी देखें ना सादो को तो मैं कहती हूँ तुम मेकअप करती क्यों है बहन, बहुत ग्लोइंग स्किन है मेरी बाजी, इतना अच्छा मेकअप करती मेरा तो दिल रह जाता क्योंकि आप अगर सादिया को बहुत दफा देखा हुआ है, बहुत दफा देखा हुआ है, आप अगर बगैर मेकअप के देखेंगे उनको फाउंडेशन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए वो तो फिर शायद इसलिए कि आए मेकअप वगैरह किया होता है उसको थोड़ा सा समटाइम आपको एक अच्छा अपने लिए करती हूं मैं मेकअप, मुझे अपने लिए बड़ा पसंद है। और सादिया आपकी स्किन हमेशा अच्छी रही है, जब आप अम्मी का बड़ा रोल था क्योंकि मेरी खिलाई पिलाई बहुत, मैं खाती कम थी पीती ज्यादा थी, हमेशा मैंने बताया था कि गाजर चुकंदर और ये सारी चीजें ना, और अम्मी को क्योंकि शुगर थी तो हर कड़वी चीज मुझ पे तो ऐसे थी कि बस लाजमो मलजूम है, मतलब खुद ने करेले का जूस पीना, आए बेटा इतना सा पी लो ताकि हम पी सकें, अम्मी मैं मुझे थोड़ी होने वाली है नहीं नहीं, और क्योंकि छोटा बच्चा उनके जब माँ बाप के साथ रहते तो सारी जो तवज्जो थी ना अम्मी की वो मेरे ही जात के ऊपर थी, तो वो करेले का जूस भी मैंने पिया, साफ़ी मैं अब तक पीती हूँ, जो लोग हैरान होते हैं मेरी अब महीने के सौदे में साफ़ी की 3 बोतलें ज़रूर आती हैं, वो आप लोगों को ये बात समझ नहीं कि स्किन हो पेट हो, जब तक आपका स्किन का ताल्लुक आपके पेट से होता है, जब आपकी गट क्लियर ही नहीं होगी तो उसने आपके स्किन के ऊपर बहुत सारी चीजें लाना शुरू हो जाता है, ऊपरी सतह पे तो नहीं काम, अंदर से आपने काम अपना करना होता है। मेरे यहाँ सब्जियां बहुत खाई जाती हैं, मेरे यहाँ फल बहुत खाया जाता है, और खाने के साथ हम तो फल को रगड़ना भी शुरू हो जाते हैं, केला खाया तो छिलका रगड़ लिया, लेमन खाया, मेरे यहाँ तो परेशान हो जाते हैं भाजी क्या करती हैं आप, मैंने कहा कोई बात नहीं थोड़ी देर धो लूंगी जाके मक्खियां, मतलब कि फल खरीदे महंगे हैं तो उसकी जान निकाल लो, जान निकाल के छोड़ना है, लेकिन ये एक चीज ना मैंने वैसी अभी से यूट्यूब का जिक्र किया तो मुझे बड़ा शौक होता है जब कोई नई नई चीज देखती हूँ, अभी मैंने एक और चीज देखी वो भी बताऊंगी आप लोगों को, तो जैसे मेरे यहाँ खोपरे का तेल मैं पहले भी बता चुकी हूँ फिर बता रही हूँ, बहुत यूज होता है नारियल का तेल, और हमारे यहाँ तो जाके बकायदा ना कोल्हू से निकलवाया जाता है, ठीक है, तो इसलिए वो खालिस भी होता है। हमारे मेरे यहाँ नॉर्मल जो सर्दियाँ गर्मियाँ हो, गर्मियों में कम लेकिन सर्दियों में तो पूरा खोपरे का तेल मैं हाथ पैर मुँह पे मल के सोती हूँ, या वैसलीन में मल के मैं पहले, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन नहीं है, मेरी नॉर्मल स्किन है, बट मेरी स्किन को वैसलीन सूट बहुत करती है, बहुत सूट करती है, तो मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था कि मैं आंखों के नीचे फाइन लाइंस नहीं आती, मैं वैसलीन नहीं यूज करती ना देर रात और रात, आपकी स्किन टाइटनिंग के लिए बड़ी अच्छी है, और वैसलीन वो ये क्या है तुम्हारे हाथ, खोपरे का तेल, हर एक के पास होता है विटामिन ई की टैब, ये जो है ना ये हर एक के पास कैप्सूल्स हर एक के पास होती है एवियन वाली, ठीक है ये ले ले ये ले ले। अच्छा आप इसमें अगर आपको लगता है जी मुझे खोपरे का तेल सूट नहीं करता तो सरसों के तेल के अलावा दुनिया का तेल को रेखा लगाती थी ना सुनने में आया था, क्योंकि जब रेखा की शूटिंग होती थी जो मैं अम्मी हमें बता रही होती थी ना उस वक्त उस जमाने में रेखा 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 होता तो उसकी स्किन इतनी ग्लोइंग थी तो सरसों का तेल बताती थी अम्मी कि वो शूटिंग से पहले अच्छा मेकअप से पहले वो पूरा सरसों का तेल थोप के बैठती थी, अपना स्क्रिप्ट वगैरह लाइंस की, उसके बाद उसने शावर लिया, उसने क्लेंजिंग की और फिर मेकअप करती थी और मेकअप भी उसी से उतारती थी, सो तब के जमाने की बात, ऑलिव ऑयल कोकोनट ऑयल किसी को टैन भी कर देता है, हाँ तो इसलिए भी होता है कि आप कोकोनट ऑयल लगाते हैं आपको टैन कर देता है, नहीं निकलना धूप में नहीं निकलना, ये आपने लिया आपको मैंने बताया विटामिन ई, अच्छा अभी कंफ्यूजन थोड़ी हो रही है, आपने बोला खोपरे का तेल लिया, ये मैं तीन चीजें अलग कर देती हूं, कैप्सूल ली विटामिन ई की, नहीं नहीं आलू का क्या आलू आलू यही आलू है, ये है ये आलू है नहीं गुड़ है, आलू आलू में रखना भूल मुझे माफ कर दे, ठीक है आपने आलू का जूस निकाल लिया, आलू का जूस हो गया, सबको आता है कुट 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 करके उसको खूब निचोड़ लीजिएगा तो निकल आएगा, मतलब ग्राइंड कर लीजिएगा, ठीक है तो आलू जो है ना वो स्किन को वैसे ही टाइट करता है। इसमें एक और चीज जैसे इसने कहा आपसे राइस, हमारे यहाँ सबके ही चावल सफेद वाले बनते हैं, पानी में भिगोए चावल 2-3 दफा धो लिए, अब जो पकाने नहीं है अब जो चावल धोने से धोया चावल है ना उसको निकाल लिया पानी को
और चावल चढ़ा दिया आपने उबालने के लिए, वो जो धुल के चावल निकला है ना पानी, उस पानी में भी आप ऑयल, इसको पीच कहते हैं ना, नहीं नहीं वो पकने के बाद वाली को पीच कहते हैं। अब जो आपने चावल भिगोया है दो तीन दफा धोने धुलने के बाद, जो आप एक भिगोते हैं ना कि भिगोते हैं भूल जाए, अब आप पकने के लिए रखते हैं, उससे पहले जो धुला हुआ चावल है ना उसका पानी लें, उसमें आपने ये खोपरे का तेल मिला लें, ठीक है, आप उसमें आलू का जूस मिला लें, आप यकीन मारे कोई आप ये को डेली की रूटीन में बना सकते हैं, स्प्रे कर ले, स्प्रे बना के रख ले। और मैं हमेशा कहती हूँ ये गर्दन और हाथ हमारे ना हाथों को हम नहीं करते, ये देखिए मेरे हाथ, देखे मेरे हाथ, हाथों को भी जरूर करें, जो आप अपने चेहरे पे कर रहे हैं ना वो अपने स्किन और अपने हाथों को कभी ना छोड़ें, वरना ये दोनों अलग अलग दिखने लगते हैं। तो ये